खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जहां प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 26 फरवरी की है। शादी समारोह से लौटते समय प्रॉपर्टी डीलर विशाल यादव की ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में आरोपी रितेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। एसओ कैंट के अनुसार आरोपी रितेश यादव व मृतक विशाल सिंह व उसका पिता रामबली साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे। पूनम नाम की महिला की जमीन में विवाद था। विशाल के कहने पर रितेश यादव ने 2 लाख रुपए पूनम को दिए थे, जिसमें कोर्ट का निर्णय आने के बाद एग्रीमेंट करने की बात हुई थी। जनवरी में कोर्ट का निर्णय आया, परंतु पूनम द्वारा जमीन का एग्रीमेंट नहीं किया गया। रितेश के पूछने पर रामबली के कहने पर ही एग्रीमेंट करने की बात कहती थी। घटना से नाराज होकर 26 फरवरी को रितेश ने विशाल को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की गई थी। चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। एक वांछित अभियुक्त की तलाश अभी भी जारी है। बनाकर उसकी रचना की जा रही थी, उसके क्रम में टीमों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही थी और चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान इस घटना में वांछित एक मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग किया गया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में अभियुक्त को पैर में गोली लगी और पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कराते ही तत्काल उनको बेहतर मेडिकल इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। इसके संबंध में एक अभियुक्त वांछित है, जिसकी तलाश की जा रही है। अयोध्या से जनमत न्यूज के लिए आजम खान की रिपोर्ट।